प्रचंड ज्वाला हो गई। अच्छा, प्रचंड ज्वाला हो चुकी है। हो चुकी है, समान जागृत हो चुका है, अपना हक लेके रहेंगे। और सब भाइयों से यही कहते हैं जाटव समाज से कि बच्चों को पढ़ाओ, उंगारी बढ़ाओ, संगठित रहो। बहुत बढ़िया, ये बाबा साहब का भी मूल था। हाँ जी जी जी, कह रहे थे आप। बाबा साहब का भी नारा था, जब तक हम तुम एक संगठित नहीं होंगे तब तक कोई वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षित और संगठन होना जरूर समाज का है, क्योंकि अपना समाज अगारी बच्चे सब प्रकार से अगारी बढ़े और जो है देश में अपना कुछ हक हो। अभी हक नहीं है जी, अभी हक आने में कितना टाइम लगेगा? देखो, ये तो गुरु महाराज की आज प्रचंड जो जल गई है जी, शमशान भूमि पे जी। और ये निगम बोध है, यह मोक्ष का द्वार है जी। जब हमारे गुरुजी मोक्ष के द्वार में आ बैठे तो हमारे समाज का उद्धार होगा और एक दिन फिर समाज का राज होगा। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं हूँ दिल्ली के निगम बोध घाट में, जो शमशान घाट है, निगम बोध घाट, और दिल्ली का मेन ISBT के पास ये पड़ता है। और यहाँ पर आज एक है कि गुरुदास जी की आज यहाँ पर एक मूर्ति लगाई गई है, बहुत भव्य और मूर्ति है और बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँ पर सभी भगवानों के साथ साथ यहाँ पर गुरु रविदास जी की भी मूर्ति लगाई गई है। और इस मूर्ति का उद्घाटन आज हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक पंडाल लगा हुआ है, उसमें की तादाद में लोग आए हुए हैं। और इस सभी धर्म और सभी जाति और सभी समाज की यहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत बड़ी रविदास गुरु महाराज जी की एक मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। मैं आपको और भी अंदर लेके चलता हूँ, जो जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। सर, जो पंडाल बना हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रविदास महाराज जी की मूर्ति लगी हुई है, और ये भव्य उद्घाटन यहाँ पर हुआ है इस मूर्ति का। और यहाँ पर कई सौयों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इस मूर्ति अनावरण में। पूरे देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है इसका। गुरु रविदास जी के स्मारक का एक बार विधिवत रूप से हम स्मारक के लिए तुम्हें बार बार करूं वंदगी, गुरु सत्य वचन घाट पे यहाँ संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया संत गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के द्वारा, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज जो है? सबसे पहले मैं संत गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी को दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन आभार प्रकट करूंगा, जिस जन्मोत्सव कमेटी ने एक ऐसा निगम बोध घाट जहाँ जीवन का अंतिम चरण एक आगमन होता हो, और ऐसी जगह जहाँ उनका जन्म भी ऐसे स्थल पर हुआ था, तो इस जन्मोत्सव कमेटी ने आज ये भव्य अपना स्मारक स्थान जो है एक करके एक ऐतिहासिक कार्य किया है। और मैं इस पूरी जन्मोत्सव कमेटी की टीम को और जिन साधु महाप जो इन्होंने इसमें योगदान दिया है, उस समस्त टीम को मैं अपने दिल की गहराई से इस सनातन धर्म की परंपरा को, पताका को फहराने वाला इतिहास संत श्रोमणी गुरु रविदास जी विश्व की एक पताका रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब सनातन पर धर्म पर आताताई और बाहर के लोगों ने आतंकवाद पैदा करके इस धर्म को एक ध्वस्त करने का काम किया था, एक ही ऐतिहासिक पुरुष, एक ही श्रद्धा भक्ति भाव का पुरुष थे, वो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी थे। आज एक ऐतिहासिक पल है, हम सभी के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल है। स्थान पे गुरु महाराज की मूर्ति की स्थापना हम सभी के लिए बहुत ही सम्मान की बात है, बहुत ही अभिमान और गौरव की बात है। मैं सभी गुरु भक्तों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखें। इस स्थान पे मूर्ति की स्थापना करने कई मायने हैं, यहाँ अनेकों दूसरे गुरु महाराजों की भी मूर्ति लगी हुई है, और उनके बीच में हमारे गुरु जी की मूर्ति लगना
ये एकता और एकता में अनेकता का भी परिचय है। मैं इस यहाँ की प्रबंधन समिति को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने गुरु जी की मूर्ति की आवरण में उनकी स्थापना मूर्ति में हमारा सहयोग किया, और यहाँ इकट्ठा सभी ग्रुप गुरु भक्तों को मेरी उसे फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गुरु रविदास जी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण हुआ है, और मैं आपको बता दूं निगम बोध घाट जो शमशान घाट है दिल्ली का ISBT के पास, वहाँ पर इस मूर्ति का अनावरण हुआ है और बहुत भव्य और बहुत बड़ी मूर्ति है। आपको कैसा लग रहा है कि आज गुरु महाराज जी की यहाँ पर मूर्ति का अनावरण? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी लाइफ में नहीं देखा जो अब देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर खास। क्या दिल्ली में ये पहली ही मूर्ति का उद्घाटन हुआ है? हाँ जी, ये पहला, ये बड़ी खुशी की बात है। जब हम लोग किसी का निधन हो जाता था तो हम जब घाट पे आया करते थे तो हमें लगता था कि यार हमारे रविदास जी की भी स्थापना में होनी चाहिए, और भी बहुत सारी प्रतिमा थी यहाँ पर, हमें बड़ी वो होती थी कि यहाँ पर रविदास जी की एक स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग पूरी दिल्ली में रहते हैं तो बड़ी सभी धर्मों को लेकर के चलते हैं और रविदास गुरु महाराज जी को भी लेकर के। क्या यहाँ पर प्रशासन ने या जो भी निगम बोध घाट के जो अधिकारी थे उन्होंने इस मूर्ति को लगाने में कोई परेशानी आपके बीच में आई क्या कुछ? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे श्री गुरुदास जन्मोत्सव कमेटी ने ये कार्य किया है, बहुत ही दिल्ली के समाज के लोगों के लिए गर्व की बात है। मैं सेंट्रल कमेटी श्री गुरुदास धर्म स्थान दिल्ली के प्रेसिडेंट के नाते इस कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये कामना करता हूँ ये कमेटी दिन दुनी रात चौनी तरक्की करे। जी, क्या दिल्ली के अलावा कहीं और भी ये मूर्तियों का अरावण होगा? नहीं होगा, अभी ये शुरुआत थी, और जैसे जैसे बड़ा है गुरुदास का मंदिर कमेटी ने आगे किया है तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा, कारवां रुकने वाला नहीं है। अब और भी जगह हमें समझा समानता का हमें अधिकार चाहिए, वहाँ पर ये अब मूर्तियाँ प्रतिमा गुरु रविदास जी की लगती रहेंगी और अपना अधिकार हमारा जो है हमें मिलता रहेगा अपने समाज में। क्या अपने महापुरुषों की हमें मूर्ति लगाने में किसी तरीके की दिक्कत या परेशानी आती है? नहीं, अब आज के समय में जो हमारे समाज की ताकत बढ़ रही है, हमारे समाज का जो लोग महसूस करने लगे हैं कि ये भी कोई ताकतवर लोग हैं और इस काफ़ी संख्या में इस भारतवर्ष के अंदर हैं, तो आज जो हम सम्मान हमें और बाकी लोगों से मिलने लगा है ये हमारी ताकत का ही उदाहरण है, और इसी तरीके से हम अपनी एकजुटता ताकत दिखाते रहेंगे तो इसी तरीके से जो हमारा सम्मान, जो हमारे बड़े बड़े महापुरुष हमारे समानता की लड़ाई लड़ते आए, हमें समानता मिलती रहेगी और सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान और समानता की हम बात कर रहे हैं तो गुरुओं की भी बात आती है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है कि गुरु महाराज जी की आज यहाँ पर मूर्ति का उद्घाटन हुआ है? ये बहुत हजार 500-700 साल हो गई जी तब से गुरु महाराज की ज्योत जल रही, लेकिन अब प्रचंड ज्वाला हो गई। अच्छा, प्रचंड ज्वाला हो चुकी है? हो चुकी है, समान जागृत हो चुका है, अपना हक लेके रहेंगे और सब भाइयों से यही कहते हैं जाटा समाज से कि बच्चों को पढ़ाओ, उंगारी बढ़ाओ, संगठित रहो। बहुत बढ़िया, ये बाबा साहब का भी मूल था। हाँ जी जी जी, संगठित रहे आप। बाबा साहब का भी नारा था जी, जब तक हम तुम एक संगठित नहीं होंगे तब तक कोई वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिक्षित और संगठन होना जरूर समाज का है, क्योंकि अपना समाज अगारी बच्चे सब प्रकार से अगारी बढ़े और जो है देश में अपना कुछ हक हो। अभी हक नहीं है जी, अभी हक आने में कितना टाइम लगेगा? देखो, ये तो गुरु महाराज की आज प्रचंड जोत जल गई है जी, शमशान भूमि पे जी, और ये निगम बोध है, यहाँ मोक्ष का द्वार है जी। जब हमारे गुरु जी मोक्ष के द्वार में आ बैठे तो हमारे समाज का उद्धार होगा और एक दिन फिर समाज का राज होगा। समाज एकजुट करने के लिए हम अपने महापुरुषों की विचारधाराएं और मूर्ति लगाते हैं। अभी बाबा ने भी कहा कि बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, संगठित रहो और शिक्षित बनो। क्या हमारा समाज शिक्षित और संगठित हो रहा है? देखिए, ये बाबा साहब अंबेडकर
भारत धर्म बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो आज हम शिक्षित हैं, संघर्ष कर रहे हैं और संगठित हैं। और ये सबसे बड़ा मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बुलाकी जी को, जो करलवा कमेटी के अध्यक्ष है, जो उन्होंने यहाँ दिल्ली प्रदेश में संगठन जो संगठन इकट्ठा हुआ है, आज पूरी दुनिया के अंदर यहाँ का लाइव कैसेट जा रहा है कि अब रविदास समाज पूरा इकट्ठा हो चुका है और संघर्ष करेगा और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएगा। ये सब बाबा साहब की कृपा है कि जो आज हम यहाँ खड़े हैं, सुरक्षित कर रहे हैं और सुरक्षित बोल रहे हैं और सम्मानित है, आज उन्हीं की देन है। अगर उन्हीं की कृपा नहीं होती तो हम एकत्रित नहीं होते, शिक्षित नहीं होते, संगठित नहीं होते। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो करोड़ों लोगों के बाबा साहब ने किया है, हम करोड़ों व्यक्ति उन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए, शिक्षित बने, संगठित रहे और सेल्फ होके काम करें, किसी से डरे निडर होके आगे बढ़े। आज जब तक हम सेल्फ काम नहीं करेंगे, हम सुरक्षित नहीं हो सकते। कहीं भी जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट भी हो, एक छोटा सा जाट का, गुते का, ब्राह्मण का हमारा आईपीएस अधिकारी को दबा देता है। लेकिन अब वो बात हम में खत्म होनी चाहिए। हम सुरक्षित सेल्फ होके हर डिपार्टमेंट काम करें और अपने बाबा साहब का मिशन और सुंदर राज्य का नाम आगे बढ़ाएं। जी, आप युवा हैं क्या? आप भी चाहते हैं कि समाज एकजुट हो? हाँ बिल्कुल जी, मैं एक युवा हूँ और आज मैं, जैसे हम जानते हैं कि पहले से ज़्यादा लोग अब एजुकेटेड है, इस चीज़ पर ध्यान देते हैं और मैं चाहता हूँ कि सब एकजुट हो रहे हैं और आगे भी ऐसे होते रहेंगे। मैं भी इस गुरु रविदास दिल्ली प्रदेश समिति का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गुरु रविदास जी की यहाँ पे स्थापना की है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको कैसा लग रहा है आज का यहाँ जो माहौल हो रहा है और गुरु रविदास जी की मूर्ति लगी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी समाज का, सभी साथ दिया है समाज ने और संत रविदास का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और ऐसा होना चाहिए, समाज जुड़ के साथ रहना चाहिए, संगत सारे साथ होनी चाहिए आगे के लिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी युवा हैं और लुकिंग वेरी हैंडसम। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो गुरु रविदास जी की इतनी बढ़िया और इतनी सुंदर मूर्ति लगी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु जी कहते थे, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसका अर्थ ये है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, सिर्फ पवित्र गुरु जी का गुणगान करें, यही हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कोई जात पात नहीं होती, सब लोग एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाएं, बस यही कहना चाहूँगा। निगम बोध घाट में मूर्ति लगी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा बात है जी, हमारे समाज का एक सम्मान हुआ है, मान सम्मान हुआ है और इसमें जिस भाइयों ने सहयोग किया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आखिरी टाइम में आदमी यहाँ आता है तो हमारे गुरु जी को जरूर याद रहेगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगी, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज मानवता के सबसे बड़े भगवान गुरु रविदास जी की आज यहाँ मूर्ति लगी है। ये उन सबके लिए एक बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमें ऐसे मालूम पड़ता है कि आज वाकई में है ये मानवता जो संदेश दिया है, जिन्होंने भाईचारे का संदेश दिया है, उनको यहाँ पे जिन्होंने हमारे गुरु रविदास जो जनसंघ कमेटी है, उन्होंने मूर्तियाँ लगाकर एक मानवता संदेश दिया है। इसके लिए मैं आपने समाज का, मैं सारे सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज यहाँ पर जो मूर्ति का आ रहा हो अनावरण हो रहा है, गुरु जी ने मनुवाद को कंडम किया था और उसी के रास्ते पे चलते हुए हम उनके आगे नतमस्तक हैं और रहेंगे। जी, ओपी गौतम जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब शुरुआत होती है तो जीवन से होती है और जब जीवन खत्म होता है तो शमशान घाट होता है, और शमशान घाट में गुरु रविदास जी की मूर्ति लगाई है, आपको कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले संत गुरु रविदास जी की जो जनरोसा कमेटी है और इन्होंने यह शुरुआत की है कि शमशान घाट पर उनकी मूर्ति, गुरु जी की मूर्ति यहाँ लगाई है, मैं धन्यवाद देता हूँ उनका कि यहाँ लगाई है। लेकिन हमें आगे के लिए भी हमें तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि आगे जो रास्ता दिखाया है हमें वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिखाया है धार्मिक रूप से, क्योंकि हमें बाबा साहब के रास्ते पर भी चलना ज़रूरी है, तभी हम इन मनुवाद से पार पा सकते हैं। जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज गुरु रविदास जी की मूर्ति लगी है, किस तरीके का माहौल है आज? देखिए, जो गुरु रविदास जी की मूर्ति ऐसे प्रांगण में लगाई गई है और जहाँ पर लोगों को अंतिम संस्कार किया जाता है, ये समाज के लिए एक गौरव की बात है और एक जो परिवर्तन का दौर चल रहा है जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, आज करने लगे। तो गुरु जी की जो विचारधारा थी कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी कौन, छोट बड़े सम्भ से रविदास रहे बरसन, यहाँ बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, लेकिन रविदास जी की मूर्ति को लगा करके संत गुरुदास जी की, ये साबित हो चुका है कि इनके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन की लहर धीरे धीरे
समाज के इस देश के शासक थे, संत हमारे हुए और महापुरुषों ने जो योगदान दिया उसका इन्होंने कभी शरण लिया मिलने लगा है, और ये सब अपने समाज की जो एक योगदान था उसका एक बहुत बड़ा श्रेय समाज को मिल रहा है जी। और ऐसा समाज को बहुत बड़ा श्रेय मिल रहा है। मैं युवा भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा क्या समाज आगे बढ़ रहा है अब? जी हाँ जी, पहले से ये समाज बहुत आगे बढ़ रहा है और ये गुरु जी के प्रतीत और बाबा साहब के प्रतीत बहुत ही आगे हैं। अभी ये हमारा भी ये ग्रुप है, अम्बेडकर बोरिस ग्रुप है जो जी सिलमपुर क्षेत्र में है। तो जी हम तो जी जो गुरुजी ने हमें जो सिखाया है हम जो उसी के उनको विचार कर रहे हैं, उनका क्या कहते हैं उनके मार्ग पे और उनके मार्गदर्शन पे फोकस कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ यही कि आज मेरे को बहुत खुशी है कि हमारे बाबा साहब ने एक बात की थी, वो बात मेरे को सच्ची नज़र आ रही है। उन्होंने कहा था बाबा साहब ने कि हमारे मंदिर खुद के होंगे और खुद के पंडित होंगे, ये साबित हो रहा है ऐसा लग रहा है हमें जी, कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे खुद के मंदिर होंगे और हमारे खुद के धर्म गुरु भी होंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कब तक ये हो पाएगा कि हमारे खुद के मंदिर और हमारे खुद के धर्म गुरु होंगे? ऐसा है, हमारे जो गुरु जी ने हमें एक दीक्षा दी थी कि शिक्षित बनो और संगठित और करने के लिए हमारे बाबा साहब ने जो कहा था, हमारे गुरु जी की हम जो प्रेरणा लेकर चल रहे हैं, आज यहाँ पे जो हमारी मूर्ति लगी है इसका एक संदेश जाएगा पूरे भारतवर्ष में कि आज ये छूत छात की राजनीति हो रही है, इसको भी दूर करा जाए। और हम सब एक जो हमारे जो ऐसी भाई जीते भी हैं उनके अंदर जो भेदभाव लोगों ने पैदा करा हुआ है वो भी हमने ख़त्म करना है, और हमने गुरु जी की प्रेरणा लेके जाएंगे तो समाज में भी ऐसा अच्छे अच्छे कार्य करें जिससे गुरु जी का नाम ऊँचा हो। जी बाबा साहब ने कहा था कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी सभी एक ही हैं, तो क्या ये एक सूत्र में कितने दिन और कितने सालों में या कितनी सदियों में हो पाएंगे? ये सर ये समय आ चुका है, इस समय जो हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जाति तोड़ो का एक आंदोलन चलाया था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इन महापुरुषों को इन्हीं के चिन्हों पे चले, संत रविदास जी और हमारे संत कबीर जी इन्होंने बहुत बड़ा समानता का संदेश दिया है। वो हमारे को लग रहा है अब आने वाले समय में ये जाति भेद जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म होना चाहिए, मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसको आगे प्रोग्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। और हम बहुत ही इसके लिए आभारी हैं कि हमारे समाज ने इतना बड़ा मूर्ति की स्थापना करी है, और यहाँ पे हमारे गणमान्य लोग जो हमारे समाज के वो आए हैं मैं बहुत बहुत इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। ये जो जाति की अभी जो बात आ रही थी, मैंने सुना है जाति कभी नहीं जाति, तो क्या ये जाति हम तोड़ सकते हैं क्या? हमारे सभी महापुरुष जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं बड़े बड़े जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं और काफ़ी सारे हुए हैं, उन सभी को मैं समर्पित करते हुए ये कहूँगा कि ये जाति तोड़ का ये आंदोलन है, ये जाति तोड़ का आंदोलन तभी ये समाप्त होगा जब हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे जी। और इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये जो मैं देख रहा हूँ आज की डेट में यहाँ पर जो संत शिरोमणि गुरुदास रविदास जी की जो मूर्ति का अनावरण हुआ है उसमें काफ़ी सारे लोग दूर दराज से आए हुए हैं जी। एकता के प्रतीक होकर के इसका संदेश दे रहे हैं कि भी हम अब जाग चुके हैं, अब हमें कोई मतलब जो है इस ऊंचाई को मतलब छूने से कोई रोक नहीं सकता जी। बिल्कुल ठीक है ना, ऊंचाई को हमारी ऊंचाई को कोई छूने से रोक नहीं सकता क्योंकि बाबा साहब ने मूल मंत्र ही ऐसा दिया था और समानता के सूत्र में बांधा था। क्या समानता के सूत्र में इस टाइम हम आ पा रहे हैं? मैं सबसे पहले गुरु रविदास जी को नमन करता हूँ, भगवान बुद्ध जी को भी नमन करता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भी नमन करता हूँ। ये जो हमारी जो मतलब इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा था जी, जो ये हम चल रहा कार्य, ये मतलब सरकार का योगदान होना बहुत ज़रूरी है जी। सरकार में हम है नहीं, सरकार में हमें जाना पड़ेगा, सत्ता में हमें जाना पड़ेगा, हम जाति भी ख़त्म कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं जी। तो ये इस समय समय है कि हमें सत्ता का इसमें जो चुनाव हो रहे हैं इसमें भी ध्यान देना चाहिए जी। तो हमारे ध्यान अगर हम दें तो किस जगह जाना चाहिए, कुछ थोड़ा अंदाजा आप दे सकते हैं? देखिए जी इस समय कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सी ऐसा समाज है जो इस जाति को हटा सकता है इस समय? तो बीजेपी तो ऐसा नहीं कर रही है। सबसे खतरनाक पार्टी हमारे लिए बीजेपी है जी, और जो बीएसपी है उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी चल रही है उनको वोट देना चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए। भास्कर जी मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि जो ये मूर्ति यहाँ शमशान घाट में लगी, क्या हर शमशान घाट में ये मूर्तियाँ होंगी? ये तो
पूछने का कोई औचित्य नहीं है। ये मूर्ति नहीं है, ये हमारे गुरु की जो प्रतिष्ठा है, जिसको हम मान सम्मान के साथ पूजा करते हैं। ये मूर्तियाँ यहीं पर नहीं, हमारी जिनको हम मानते हैं उनकी तो देश में क्या विदेशों में भी लगी हुई है। हम शमशान घाट तक सीमित नहीं है, हम पूरे वर्ल्ड में अपने संतों की, महापुरुषों की, बाबा साहब अम्बेडकर की, तो आप देख ही रहे होंगे जगह जगह हर कंट्री के अंदर लग रही है। हम हर शिरोमणि अकाली जी की भी विदेशों में भी लेके जाएंगे जी, विदेशों में भी देखी जाती है ये मूर्ति। एक सवाल और करना चाहूँगा, आपको क्या कठिनाइयाँ आई इस बाबा जी की प्रतिमा को यहाँ लगाने के लिए? कठिनाइयाँ तो अभी हमारी जो जनोत्सव कमेटी की टीम है और हमारे जो प्रधान जी हैं, उनके इतने अच्छे मतलब विचारों से और उनके प्रयासों से, और हमारे आदरणीय श्रीमान गुप्ता जी जो यहाँ के प्रबंधक हैं, उनका सहयोग बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जगह प्रोवाइड कराई, थोड़ी कुछ समस्या छोटी मोटी आई थी, लेकिन वो समस्या है हमारा हौसला और गुरु जी के प्रति आस्था देख करके ना, वो सारे हौसले प्रस्त हो गए और हमारा आज गुरु जी का मान सम्मान हमने आज विश्व में बढ़ा करके ऊंचा कर दिया है। और ये प्रतिमा आज वर्ल्ड के लिए एक ऐतिहासिक बन गई है और इस स्मारक को विश्व के ऐतिहासिक तौर पर देखा जाएगा। इसका मेरा मतलब धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहूँगा कि इस मूर्ति को यहाँ लगवाने का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे इस स्मारक को, पहले तो सबसे पहले मैं सारी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर आई है, उनका सह धन्यवाद करता हूँ, अपनी पूरी कमेटी श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की ओर से। और मैं भाई जो मेरी संगत पंजाब से आई है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और जो हमारी दयावस्ती से जो संगत आई है उनका बहुत बहुत, और हमारे सिलमपुर से, वेलकम से, शाहदरा से, और हमारी मदनगिरी से और सुंदर नगरी से हमारी जो संगत आई है, मैं उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने काफ़ी समय हमें यहाँ पर दिया और अपना पूर्ण योगदान दिया, दान भी के रूप में लोगों ने दिया। और मैं उन संगत का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश समाज एक रूप में लाकर छोड़ा, और कुछ हमारी मध्य प्रदेश इंदौर से भी संगत आई हुई है।